तो कोई अपने घर आ रहा है, तो कोई अपनी बहनों के यहाँ जा रहा है, तो कोई भाई अपनी बहनों से मिलने या राखी बंधवाने पहुँच रहे हैं, लेकिन इस समय ट्रेनें रद्द हैं तो कैसे आएं। तो इसलिए हमने कहा कि हमें आपकी असुविधा के लिए खेद है। तो ट्रेनें कैंसिल होने पर किस तरीके से सियासत हो रही है ये भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस कैसे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का कहना है कि 10-10 सांसद होने के बाद भी इतनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, उनकी या छत्तीसगढ़ की बात नहीं रखी जा रही। वहीं बीजेपी का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो ट्रेनें प्रभावित होंगी। घंटे 9-9 घंटे जो अगर चल भी रहा है तो इतने लेट से चल रहा है, लेकिन आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी तमाम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद, और जनता के हित में कांग्रेस पार्टी हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। घटना दुर्घटना होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक ठो ट्रेन जो है पटरी से नीचे उतर गई थी, और किसी प्रकार की घटनाएं ना हो, लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसलिए रिपेयर मेंटेनेंस और अन्य कारणों से ट्रेनें रद्द हुई हैं। और मुझे लगता है कि लोगों की जान की बेहतरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। हमारे साथ ये आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन का ये वो नज़ारा है। कोई जा रहा है तो कोई आ रहा है, तो कोई गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं जो परेशान हैं कि भैया आप ट्रेन ही कैंसिल हो गई है, कैसे जाएं, क्योंकि हमारे बस की तो फ्लाइट से है नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मौजूद उन सारे लोगों से जो लोग जा रहे हैं या जिनकी जो ट्रेनें रद्द हैं और काफ़ी समय से वो परेशान हैं। सर, आप यहाँ किसी को छोड़ने आए हैं? नहीं, मैं खुद ट्रेन से जाने वाला हूँ। तो अभी जो ये इतनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, त्यौहार का समय है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? पिछले काफ़ी समय से ट्रेनें रद्द हो रही हैं। जी, मेरा ट्रेन अभी लेट हो गया है। मैं सुबह 8 बजे जाने वाला था, अभी मैं जा रहा हूँ रात को 10:30 बजे ट्रेन है। तो आप कहाँ जाने वाले? मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई जा रहे हैं, आप की ट्रेन लेट हो रही है, और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनें जो हैं वो काफ़ी रद्द हो रही थी। अभी ये बताया जा रहा है कि नागपुर वाले रूट पे काम चल रहा है। जी जी, बताया यार, मैं भी सुना, वही सुना हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं भैया? जी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो आपको पता है ना कि ट्रेनें बहुत सारी कैंसिल हो रही हैं, तो ओवर वेटिंग चल रही है, तो किसी को टिकट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? टिकट मिल पा रहा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मिल रहा है। आप अभी रक्षाबंधन में छुट्टी में जा रहे हैं? जी नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, लखनऊ से टाटा टेल्को कंपनी से गाड़ी लेकर आता हूँ। अच्छा, तो त्यौहार में जा रहे हैं? त्यौहार में नहीं, हमारा तो गांव है, वहीं जा रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है, कुछ अपने घर जा रहे हैं कि देखिए, आपने देखा कि सुबह 8 बजे की ट्रेन है। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। ट्रेन इंतजार कर रहे हैं, कब आने वाली? 7:05 पे। अभी आपको पता है ना, त्यौहार मनाने जा रहे हैं आप लोग। ट्रेनें जो रद्द हो रही हैं उसके लिए क्या? उसके लिए क्या, चले जाएंगे कोई ट्रेन से, कोई मिलेगी। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ। ये ट्रेन सब साथ में ही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इतनी सारी ट्रेनें रद्द हो रही हैं और ट्रेनों में भयंकर भीड़ भी हो रही है, तो टिकट पाने में आसानी रही कि बहुत मुश्किल? नहीं, आसानी से से मिल गया। तो आप बहुत लकी थे कि आपको टिकट काफी आसानी से मिल गया है। सर, टिकट, इतनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, राजधानी रायपुर से यहाँ से जाने वाली नागपुर रूट पर काम चल रहा है, तो आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी रायगढ़ की ओर जा रहा हूँ। ट्रेन में तो फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है अभी, पहले जैसे होती थी। प्राय वो मैक्सिमम ट्रेन तो डिले ही रहता है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है पहले से। अभी ठीक त्योहार के समय पे ये जो इस तरीके से ये कहा, ट्रेनें इतनी सारी रद्द हो गई, वो तो है, हर साल का है, सावन का महीना भी चल रहा है अभी, और उसके लिए भी, लेकिन फैसिलिटी थोड़ी कम हो गई है पहले से। जैसे जैसे किराया बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से हमको फैसिलिटी मिलना चाहिए वो हम नहीं पा पा रहे हैं, इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। सरकार को इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। आप मान रहे हैं छत्तीसगढ़ से 10-10 सांसद हैं, इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनें ज़्यादा कैंसिल थी, सुविधाएं नहीं मिल रही थी, अभी भी और सियासत हो रही है और अभी भी इतने सांसद हैं, तो क्या आवाज़ उठाना नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन सरकार अपने तरफ से भी कोशिश कर रहा है, लेकिन बात है कि पॉपुलेशन की भी बात है, उन्हें काफ़ी उम्मीद है। आप लोग घर जा रहे हैं? नहीं नहीं, आ रहे हैं। ओ, हम खेलने जा रहे हैं। तो अभी जो खेलने जा रहे हैं, तब तो पहले से टिकट नागपुर वाला रूट है, कौन सा? नहीं, भोपाल वाला।
भोपाल, चूंकि नागपुर वाला रूट जो है वहाँ पे काम चल रहा है, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, ट्रेनें भी इतनी सारी कैंसिल हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, एक ट्रेन हमारा कैंसिल हो गया था, हम दोबारा टिकट करके अभी जा रहे हैं दोबारा ट्रेन से। भोपाल में क्या बच्चों का स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स है, रीजनल लेवल क्रिकेट मैच है, भोपाल से हमें विदिशा जाना है, JNB विदिशा में। तो अभी जितनी ट्रेनें रद्द हो रही हैं, काफ़ी कुछ त्यौहार इतना नज़दीक है, लोग अपने घर जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा ओवर वेटिंग भी चल रही है, किसी को टिकट नहीं मिल रहा है, जो मतलब स्लीपर में भी है ना, जर्नल जैसे हालात। नहीं, ये तो परेशानी की ही बात है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, नहीं तो दूसरा कोई ज़्यादा बोगी लगाना चाहिए, अगर ट्रेन कैंसिल हो रहा है तो जो ट्रेन जा रहा है उसमें ज़्यादा बोगी भी लगाना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। एक्स्ट्रा बोगी की भी मांग हमेशा से होती रही है कि बहुत ज़्यादा बोगी होने, मतलब जब भी हम देखते हैं कि कभी भी है ना ट्रेन में ऐसा होता है कि स्लीपर तो आजकल जर्नल हो गया, और जो सेकंड और थर्ड एसी जो है वो स्लीपर जैसे हालात हो गए हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कोटा जा रहे हैं। कोटा जा रहे हैं, नागपुर वाले रूट में काफ़ी ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, त्यौहार मनाने जा रहे हैं? हाँ, रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं। हाँ, तो ये पहले से भी बहुत ट्रेनें यहाँ पे कैंसिल हो रही थी और अभी भी हो रही हैं, टिकट आसानी से मिल गया? अभी हमारे को 8 बजे ट्रेन आएगी यहाँ से। हाँ, आप लोग कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। हाँ, तो आप तो इधर से ही होके जाएंगे, तो ट्रेन में कितना आसानी से टिकट मिला या नहीं मिला? टिकट आसानी से, अभी टिकट नहीं कराया ही नहीं हमने, नहीं कैसे जाएंगे? टिकट अभी करवाएंगे ना, तो नहीं तो जनरल डिब्बे में बैठ के जाएंगे। जनरल में जाएंगे, जनरल डिब्बे तो बहुत ज़्यादा भरे हुए रहते हैं, फिर कैसे सफ़र करेंगे इतनी गर्मी में? क्या करें मैडम, करना पड़ता है ना, मजबूरी। आप भी साथ में? साथ में ही। तो आप लोग अपने घर जा रहे हैं? घर। तो जनरल डिब्बे में तो आपने क्या स्लीपर में टिकट नहीं लिया? नहीं लिया अभी, टिकट कैंसिल हो गया अभी। अच्छा। टिकट नहीं मिला हमको, कैंसिल हुआ। कब कब आपके पास मैसेज करवाया था? जो टिकट बोला कि सीटें बुक हैं, हमने 27 तारीख को ही करवाया था, लेकिन नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ। तो अब आप लोग जनरल डिब्बे में? जनरल डिब्बे में जाएंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र है कोटा, तो कैसे पहुंचेंगे? आराम से पहुंच जाएंगे। तो जनरल खड़े जाएंगे, बन जाएंगे, तो क्योंकि त्यौहार घर पे मनाना है। हाँ, त्यौहार घर पे मनाना। तो ये जैसे अगर जनरल डिब्बे में तो अभी ये हालात है कि पैर भी रखने के लिए नहीं मिल रहा, क्या करें? नहीं मेरे बोले कैसे जाएंगे, बन जाएंगे। हाँ, सभी साथ में जाएंगे, 9 बंदे साथ में, सभी भले लटक के जाना पड़े, जाना पर जाना है, चाहे तो जाना पड़ेगा ना, त्यौहार तो करने पड़ेगा। हाँ, आप लोग सब जा रहे हैं, तो आप सब ने टिकट कराया था और सभी का कैंसिल हुआ? टिकट कैंसिल हुआ ना मैडम, हमने करवा लेते पहले, लेकिन सीट टिकट कैंसिल हो गया, जो फिर नहीं मिला हमको। तो ये काफी है, बेचारे जा रहे थे अपने घर, उनका टिकट था वो कैंसिल हो गया। आप लोग क्या ट्रेन का इंतजार? हम लोग अंबिकापुर जा रहे हैं। हाँ, नहीं हॉस्पिटल आए थे हम लोग। अच्छा, लोग सब बाहर से हैं? हाँ, बाहर। कोई अंबिकापुर जा रहा है, तो कोई राजस्थान कोटा जा रहा है, तो कोई लखनऊ जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत भीड़ है, कई लोगों के टिकट यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन बेचारे परेशान हैं, क्योंकि क्या कर सकते हैं, उनके टिकट कैंसिल हो गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि सब यहाँ पे इंतज़ार ही लोग करते नजर आ रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? हम MP जा रहे हैं। टिकट क्या स्लीपर में जा रहे हो या एसी में? अभी स्लीपर पे जा रहे हैं। टिकट कंफर्म मिल गया? हाँ, मिल गया। तो ये जो उधर MP साइड की जो ट्रेनें काफ़ी रद्द हो रही हैं, नागपुर रूट में जो काम चल रहा है, तो आपको आसानी से मिला? हमको आसानी से मिल गया। नहीं तो आप ट्रेनों के ट्रेन कैंसिल होने पर क्या कहेंगे? काफ़ी दिक्कत होती है मैडम, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, बस यही बोलना चाहूँगा। अभी त्यौहार का सीजन है, आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, 19 तारीख तक ट्रेनें रद्द हैं। इनमें जो पैसेंजर्स जिन्होंने पहले से टिकट बना रखी उनके लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है। अब अचानक से टिकट लेना पड़ रहा है? अचानक से टिकट लेने पे किराया काफ़ी बढ़ रहा है उसमें। ये ट्रेन स्टेशन में कितनी भीड़ है आप पीछे देखेंगे, ये पूरा जो ये प्लेटफॉर्म है ये सब भरे हुए हैं, हर कोई इंतज़ार कर रहा है इस बात के लिए कि हाँ भाई मुझे अपने घर जाना है, किसी को घर जाने की बहुत जल्दी, क्योंकि त्यौहार है, रक्षाबंधन है पास में, तो कोई लोग जाना चाहते हैं। कई लोगों ने पहले से टिकट कराया हुआ है तो उनकी कैंसिल हो गई है, कई अभी फ़िलहाल तत्काल में लेके जा रहे हैं, या फिर ये कहेंगे कई लोगों के, कुछ लोग तो स्लीपर में की टिकट करा चुके थे लेकिन अब उनको जनरल डिब्बे में जाना पड़ रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूरा आप देखेंगे, एक लाइन से आप देखेंगे कैसी खचाखच भरा हुआ है प्लेटफॉर्म।
अब इसके बाद एक नज़र हम लोग वेटिंग रूम में भी डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ भी लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं बैठकर कि भाई ट्रेन हमारी आए और हम जाएं। क्योंकि हमने कई यात्रियों से जब बात किया तो हमने देखा कि किसी की ट्रेन सुबह 8 बजे थी, अब रात को 10 बजे आ रही है। हम स्टेशन के वेटिंग हॉल में आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि कब कौन सी ट्रेन आनी है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन आने का, क्योंकि यहीं से वो अपने मंजिल, अपने घर, कोई घर जाएगा तो कोई घर से आ रहा होगा। ये मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूँगी कि ये कब से कब इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग यहाँ कितनी देर से, कब से रुके हैं, कितने बजे है आपकी? 8 बजे है, 12 बजे से आए हैं। 12 बजे से, कहाँ से हैं? हम बरगढ़ से। अच्छा, तो उड़ीसा से। तो अभी कहाँ जाना? उज्जैन। पता है ना कि बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं और आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो पहले से जानकारी नहीं थी क्या? नहीं आएगा क्या? नहीं, ट्रेनें तो रद्द लेट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं आएगा हमारा ट्रेन। हाँ, आप लोगों को जानकारी है ना कि बहुत सारी ट्रेनें रद्द भी हो रही हैं? हाँ। कोई मैसेज तो नहीं आया? नहीं आया है। आप सब लोग कहाँ जाने वाले हैं, कब से वेट कर रहे हैं? हम लोग अभी काफ़ी आधा घंटा हो गया अभी इधर पे। हाँ, जाने वाले? अभी जाने वाले तो अंकल के साथ में। अच्छा, वेटिंग रूम में हम पहुँचे हैं। भैया, ये आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम बलिया जाने वाले हैं। अच्छा जी, और कब से इंतज़ार कर रहे हैं? हम तो सुबह से है, मैं शाम को ट्रेन है मेरा 9 बजे। हाँ, इसलिए अभी बैठे हुए हैं यहीं पे। इतना लंबा इंतज़ार हो रहा है? तो इंतज़ार की नहीं, टाइमिंग ही वो है मेरी। अच्छा, मैं सुबह आया था सारनाथ यहाँ पे। जैसे आप कहीं बाहर से? जी, बलिया से आया हूँ। मैं भी सारंगढ़ से हूँ, आने जाने के लिए यहाँ सुविधा नहीं है। सुबह से मैं भी आके बैठा हूँ, अभी 7 बजे मेरा ट्रेन है। आप लोग ये जो ट्रेनें बहुत ज़्यादा रद्द हो रही हैं, अभी हमेशा ऐसी दिक्कत होती है कि अभी कुछ ही दिन की आपको प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो मेरे इधर पहली बार आया हूँ, लेकिन पहली बार आया हूँ तो मेरे लिए तो अभी तो फिलहाल सुविधा नहीं है। मैं सुबह से आके यहाँ बैठा हूँ, मेरे लिए तो ट्रेन सुविधा है नहीं। कब से हम लोग सारंगढ़ वाले मांग रहे हैं ट्रेन सुविधा के लिए, तो वहाँ तो नहीं दे रहे हैं। आप लोग भी इन्हीं के साथ हैं? हम बलिया से आए हैं, लेकिन हमको जाना है विशाखापट्टनम। अच्छा, तो सुबह ही आए हैं सारनाथ से, अब रात को हमारी ट्रेन है 8 बजे। प्रॉब्लम तो लोग यहाँ बैठे हैं? हाँ, वेट कर रहे हैं ट्रेन का, बीच में कोई ट्रेन ही नहीं है, फिर कैसे जाएंगे? तो वही 12 घंटे इंतजार। तो कुछ ट्रेनें हैं वो रद्द हैं? कुछ नहीं, ट्रेन ही नहीं है, नहीं है ट्रेन, बस रात को है, तो इसलिए अब रात परेशान हो रहे हैं। हाँ, वेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो भी 12 घंटा वेट कर रहे हैं तो परेशानी है। हमेशा कंटिन्यू यही है, बस सुबह को ट्रेन मिलेगी, नहीं तो शाम को ट्रेन मिलेगी, बीच में कोई ट्रेन ही नहीं है। रात को है, 12 घंटे आप लोगों का। और अभी आप, ये तो आपकी ट्रेन है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रेनें बहुत कैंसिल हो रही हैं, जिससे परेशानी है। ट्रेनों में खूब भीड़ देखने को मिल रही है? हाँ, भीड़ तो देखने को मिलेगी, कैंसिल है तो भीड़ तो देखने को मिलेगी। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं बैठी हुई हैं। भैया, आप लोग कहाँ जा रहे? मध्य प्रदेश। तो उधर की तो कुछ ट्रेनें कैंसिल हैं? नहीं, अभी आ रहे ना बीकानेर। अच्छा, ये ट्रेनें लेट भी चल रही हैं? तो अब क्या करें दीदी, अब जाना, सफर तो करना है, बच्चे है, लोग ऐसे क्या है, दो बच्चे हैं वो भी है। तो यहाँ कितनी देर से बैठे हैं? सुबह से बैठे हम। सुबह से क्यों? वो गोडान लेट आते, पहुँचती हूँ रात को 10 बजे भोपाल, और चेंज करने आ रही बिलासपुर, तो डर जाएगी ना, उसी इस हिसाब से बैठे। तो डायरेक्ट जाने के लिए आप लोग बैठे हैं। आंटी, आप लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं कहाँ? कहाँ जाने के लिए? वैजाग जाने के लिए। कहाँ पे? वैजाग जाने के लिए। अच्छा, तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं? कब से मैम? मॉर्निंग 6 o'clock से यहाँ बैठते हैं। तो आप, तो आपकी ट्रेन 8 बजे है, बीच में कोई ट्रेन है नहीं, या फिर ट्रेन लेट है? नहीं नहीं नहीं, 8 बजे को ट्रेन है। नहीं, पर इतनी गर्मी और यहाँ पे वेटिंग रूम में कोई सुविधा? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके। ओके है, ठीक है। आंटी, आप कहाँ जाने वाले? तेलुगु। तो तेलुगु? तेलुगु। अच्छा, तो हम तो तेलुगु आती नहीं है। आप सब भी? हाँ, आप लोग कहाँ जाने? हम लोग को विशाखापट्टनम जाना है। विशाखापट्टनम। आप लोग ये बताइए कि अधिकतर ये देखा जाता है कि कभी भी ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, ट्रेनों में भीड़ है, एक्स्ट्रा कोच नहीं है, आम आदमी परेशान। तो बात सही है, आदमी परेशान होता है, जब एक्स्ट्रा कोच होने से ही थोड़ा सुविधा मिलेगा।
तो इस समय हम जो एसी का वेटिंग रूम होता है वहाँ पर हैं, और ये स्क्रीन लगी हुई है, इसमें दिखा रहे हैं कि कब गाड़ी कौन सी है, कितनी गाड़ी कौन सी लेट हो रही हैं। लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ये बैठकर, सभी कोई अपने आप क्या करें, टाइम पास तो करना है, कोई मोबाइल पे लगा है, तो कोई गाड़ी का इंतज़ार कर रहा है कि भैया आ जाए तो हम चलें। आप लोग कहाँ जाने वाले हैं सर? विशाखापट्टनम जाना है। विशाखापट्टनम, ट्रेन का वेट कब से कर रहे हैं? ट्रेन का वेट 1 घंटा हो गया। परेशानी तो हमें नहीं, सबको है, सभी बैठे हैं, सबको परेशानी है, और बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूँ, आए हैं तो शुक्रिया आप लोगों का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांसद महोदय आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी से मेरी बहुत अच्छी बनती है। मैं परसों ही मैंने सोचा था उनके पास, जैसे आ जाएंगे दिल्ली से, मैं उनको बोलूँगा कि भाई रेलवे में कम से कम कुछ सुधार लाइए। हाँ, छत्तीसगढ़ से 10-10 सांसद गए हैं, 10-10 सांसद गए हैं, लेकिन मैं तो बृजमोहन जी के लिए ही कहूँगा क्योंकि उन पर उनसे मेरा घरोपा है, बहुत नज़दीक बना है, लेकिन तकलीफ बहुत है, पैसेंजर परेशान बहुत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये बताते नहीं कि कितना घंटा लेट होगी, दो घंटा करके बताते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ये पहले से हमें ये बता दें, अभी हमारा घर रायपुर में है, रहते रायपुर में है, और हम जो पूछे थे तो हमें बताया गया था 2 घंटे लेट है, फिर पूछे कि 6 बजे तक आएगी, अब बोल रहे हैं 11 बजे आएगी। हम कब से बैठे हैं? 4 बजे से यहाँ बैठे, तो 4 से 7 घंटा अब यहाँ से आदमी वापस घर जाए, फिर घर से फिर वापस आए। क्योंकि आप रायपुर में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आसपास के इलाके से आया है तो उसके लिए रायपुर वाले भी कैसे कर सकते हैं, जब आप उसको स्पष्ट बताएंगे कि भाई 2 घंटे लेट है तो उस हिसाब से घर से निकलेगा। जब आप 2 घंटे बताएंगे तो वो 2 घंटे के हिसाब से निकलेगा, यहाँ आएंगे तो आप बताएंगे कि भाई 6 घंटे लेट है, तब वो क्या करेगा, फिर वापस जाएगा? किसी का घर दूर है, किसी का पास। सर, और अभी रक्षाबंधन है, 72 ट्रेनें यहाँ से जो गुजरती हैं उन्हें कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही ये कभी ये कहा जा रहा है कि रूट पे काम हो रहा है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। तो पिछले 2-3 सालों में आपने देखा कि यहाँ कितनी परेशानी हुई। वो उसके लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो समय है, समय इस समय में रक्षाबंधन और त्योहारों का समय है, यहाँ आना जाना लोगों का इस समय में बहुत ज़्यादा होता है, इस समय में वो चीज़ नहीं करनी थी। अगर वो चीज़ जोड़ने की या जो भी टेक्निकल जो आपको करना है, मैकेनिकली जो वहाँ सुधारना है या जोड़ना है, वो आप बाद में भी कर सकते थे। ये चीज़ महीने भर बाद भी हो सकती थी। हाँ, वो हो सकता है कि महीने भर बाद और फिर आगे और त्यौहार आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कुछ सोचा हो, तो जो उनके जो बीच के लोग हैं वो उनको ये बेसिकली जो ज़मीन की जो तकलीफ़ें हैं वो बताते नहीं हैं, मुझे लगता है उनको उस तरह की बातें पता नहीं चलती कि यहाँ हम कितने परेशान हैं। ठीक, त्यौहार से समय जी, ठीक, त्यौहार के पहले इतनी ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल होना, या फिर वो यात्री जो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं कहीं बाहर से, रायपुर से? रायपुर से ही हूँ मैं, 2 घंटे से यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो आपको मैसेज नहीं आया कि ट्रेन लेट होगा? हाँ, पहले आया 2 घंटे लेट है, फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5, अब 6 घंटे लेट है। तो ये आपको क्या बताया, ये तो बताया जा रहा है कि नागपुर वाले रूट में काम चल रहा है तो ट्रेनें कैंसिल कर दिया, तो कभी बताया जा रहा है कि वहाँ पे ये है, इंटरलॉकिंग हो रही है, इस वजह से कर दिया। हाँ, और मतलब अगर लेट हो रही है ट्रेन तो प्रॉपर टाइम बताना चाहिए, ऐसे 2 घंटे बढ़ाने से और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, उससे अच्छा फ्लाइट से चले जाएँ, 2-3 हज़ार रुपये और लगा के। नहीं, आप तो फ्लाइट से जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कई यात्री हैं जो फ्लाइट से नहीं जा सकते हैं, कई लोग फ्लाइट से नहीं जा पाते हैं, तो आप लोग कितना परेशानी का सामना कर परेशानी हो रहे हैं, क्या करेंगे फिर, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं ना, हम लोग बोलने से अलग समझते हैं। आप अभी आए हैं तो आपको बोल रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग तो बाहर से आए, अभी आंध्रा से आए, अभी 1.5 घंटा, अभी 2 घंटा से लेट है बोल रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ तो बोल नहीं सकते हैं ना हम लोग। उसके बाद यहाँ में सिस्टम भी ठीक नहीं है, पूरा एकदम अलग अलग सिस्टम है, नहीं इसीलिए आप लोग थोड़ा बोलने से होगा कोई भी। इस रूट में भी कुछ कुछ काम चलता रहता है, आए दिन ट्रेनें कैंसिल होती है। अमरकंटक ट्रेन का डेली है, जबलपुर से रिटर्न आए डेली 11 बजे आती है, जबकि उसका टाइम एक्चुअली 7 बजे इधर आने का है, डेली कभी भी राइट टाइम में नहीं आई अमरकंटक ट्रेन, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई पूछने वाला नहीं। आप रायपुर से हैं? जबलपुर से है, रायपुर में जॉब करते हैं। ठीक है, तो अभी आप अपने घर त्यौहार? नहीं, मैं अपनी मैडम को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन नेताओं का कहना है कि भैया काम हो रहा है तो काम तो कराना पड़ेगा।
अमरकंटक ट्रेन कम से कम 6 महीने का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। 6 महीने नहीं, पिछले 1 साल। हाँ नहीं, मैं 6 महीने से मैं आ जा रहा हूँ तो हमने देखा है कभी भी ट्रेन एक भी दिन राइट टाइम नहीं आई है, एक भी दिन नहीं आई है। अब आप सोच सकते हैं कि आदमी का, आम आदमी का टाइम की कोई वैल्यू नहीं है ना, नेता लोग का वैल्यू है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसरों का वैल्यू है, आम आदमी का कोई वैल्यू नहीं है ना। आप ये रास्ता नहीं ढूंढते हैं कि भैया नेता जैसे फ्लाइट से चल दिए वैसे ही आम आदमी के लिए तो फ्लाइट इतनी आसान नहीं है। आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा फ्लाइट, हम तो आज तक नहीं जा पाए। हमको तो एसी आने में हम लोग चंदा करके आते हैं, मतलब सेविंग करके आते हैं। मेरी बीवी वो डब्बू बोलते हैं ना, डुबली फोड़ के आई है एसी में जाने के लिए। प्रेग्नेंट है वो, देखिए वो बैठी है वहाँ पे। फिर अभी लंबा इंतजार, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। नहीं अभी तो आ जाएगी इधर से राइट टाइम में, लेकिन जबलपुर से जब हम रिटर्न आते हैं 7 बजे उसका टाइम है, लेकिन वो डेली 10-11 के पहले तो कभी भी नहीं आई है। आप 1 साल बोल रहे हैं, 6 महीने तक का हम रिकॉर्ड बोल सकते हैं। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं, एग्जाम, स्पोर्ट्स? हम लोग स्पोर्ट्स वाले हैं। स्पोर्ट्स वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग MP रायसेन में। रायसेन जा रहे हैं, भोपाल के पास जो रायसेन है, तो कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? हम लोग ट्रेन का नाम तो एग्जैक्ट नहीं पता। अमरकंटक से जा रहे हैं जी। तो अमरकंटक यहाँ से राइट टाइम निकलती है, लेकिन वहाँ आपको समय से पहुँचाएगी? 10-15 मिनट तो इंडियन टाइम है, लगभग पहुँचा। आप लोग रायपुर से हैं सर? नहीं, संबलपुर उड़ीसा से। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेनें बहुत कैंसिल हो रही हैं, सब लोगों का आना जाना है, ट्रेनों में भीड़ है, कितनी परेशानी? नहीं परेशानी कोई दिक्कत नहीं, खाली टिकट जिसका सही हो गया हो गया, मस्त आएगा जाएगा। पर कई लोग ऐसे हैं ना जिनके टिकट कैंसिल हो जाते हैं। अरे फिलहाल आज ही मेरा टिकट कंफर्म हुआ 2 बजे। बच्चे क्या इतने दूर के सफर में जनरल में आसानी से सफर कर पाएंगे? जनरल में तो पैर रखने की जगह नहीं। एसी है, 3 टायर एसी टिकट के करके हम सारे बच्चों को लाना करते हैं। और क्या अभी आप बाकी परेशानी कितनी हो रही है? थोड़ा परेशानी तो स्वाभाविक है कि बारिश हो रहा है थोड़ा, और नहीं तो ऐसा कुछ परेशानी। तो आपने देखा कि लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, कई लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेन आने वाली है, कई अपने घर जाने वाले हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हमने टिकट तो करा लिया है लेकिन वो अचानक से कैंसिल हो गया। अभी हमने कुछ लोगों से बात किया था जो है टिकट कराने के बाद उनका टिकट कैंसिल होता है और आज ही होता है, तो वो जनरल डिब्बे में पहुँच रहे हैं। लंबा लंबा सफ़र है, त्यौहार सर पर है, भीड़ लगातार है, तो क्या इसी तरीके से भारतीय रेल चलेगी? क्या इसी तरीके से आम पब्लिक की वाकई में कोई वैल्यू नहीं है? जैसा कि अभी हम एक किसी ने बताया कि हमारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, हम नेता थोड़ी हैं जो हमारे टाइम की वैल्यू होगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे कब तक चलने वाला है और कब तक जो है ट्रेनें इसी तरीके से रद्द होंगी और आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ विनय त्रिवेदी अवस्थी, INH न्यूज़, रायपुर।